तो मैं बात कर रहा था कि आप जिस फील्ड में जितना टाइम देते हो आपको पैसे उतने ही मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि अभी मुझे पैसे मिल कहां रहे हैं। अरे भाई, जो तुम टाइम पढ़ाई के लिए दे रहे हो ना, वो एक दिन आपको पैसे के रूप में लौटाएगा। यानी आप जिस वक्त में जितना वक्त देते हो ना, आपको उतना ही रिटर्न मिलता है। आपको पता नहीं चलता है, आपको पता है कि जिस चीज में आप वक्त देते हो है ना, उसमें आपका रिटर्न मिलता है, अलग अलग रूपों में मिलता है। कभी हो सकता है आपको इज्जत के रूप में मिले, पैसे के रूप में ही हर बार मिले ये जरूरी नहीं है। कभी सम्मान के रूप में, कभी पॉपुलैरिटी के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में, शोहरत के रूप में है ना, प्रसिद्धि के रूप में, लोकप्रियता के रूप में, जान पहचान के रूप में, किसी भी तरह से आपको मिलता है। लेकिन आपको जब तक पैसे नहीं मिलते हैं, आपको लगता है कि हम कहां कमा रहे हैं। अरे इंसान जिंदगी में सिर्फ पैसे ही नहीं कमाता, पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर पैसों की इतनी औकात होती, पैसों की इतनी ताकत होती, तो फिर महात्मा गांधी के पास करोड़ों रुपए नहीं थे, भगत सिंह जी के पास उतने पैसे नहीं थे है ना, वल्लभ भाई पटेल के पास, वो भी कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे पैसों को लेकर। लेकिन आज भी इनका नाम अमर है ना, आज भी इनका नाम अमर है। क्यों? क्योंकि पैसा हर मायने से इम्पोर्टेंट नहीं होता। मैं जानता हूं कि जिंदगी जीने के लिए पैसे बहुत जरूरी होते हैं, पैसे के बिना जिंदगी नहीं जी जा सकती। लेकिन फिर भी आप उससे भी ज्यादा कहीं आपके लिए चाहिए कि आप सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, अपनी खुद की इज्जत बढ़ाने की कोशिश करें, सम्मान बढ़ाने की कोशिश करें। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने समय को सही यूज करोगे। आपको क्या पता कि आपके माँ बाप ने आपसे कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं? आप शायद नहीं समझते हो। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो शायद थोड़ा बहुत समझ सकते हो, गरीब फैमिली से हो तो और ज्यादा समझ सकते हो। आप जब भी पढ़ाई के लिए पैसे घर पे मांगते थे या मांगते हो, आपको पैसे किसी भी तरह मिलते हैं ना। किसी अन्य कामों के लिए अगर आप पैसे मांगते हो तो कई बहाने आते हैं गार्जियन की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। लेकिन जैसे ही आप बहानेबाजी करके मांगते हो पैसे, कलमे खरीदने हैं, पुस्तक खरीदनी है, फी देना है ना, यहाँ पे ये चीज इतना लग रहा है, 100 के बदले आप 150 लेते हो, 500 के बदले आप 600 लेते हो, खुद के भी तो खर्चे उठाने होते हैं ना, खुद के पॉकेट खर्चे कहां से आएंगे। आपने कई बार अपने गार्जियन से ज्यादा पैसे लिए होंगे ना पढ़ाई के नाम पर, हम सब ने लिए हैं। आपने कभी कोशिश की जानने की कि आपके गार्जियन आपको पैसे मांगते ही दे क्यों देते हैं पढ़ाई के नाम पर? क्योंकि उनको पता है कि आप अच्छे काम के लिए पैसे मांग रहे हो, उनको पता है कि आप अपनी जिंदगी को संवारने के लिए पैसे मांग रहे हो, उनको पता है कि आपका भविष्य उज्जवल होगा, इसलिए आप पैसे मांग रहे हो। लेकिन आप फिर आगे चल करके विश्वासघात कर जाते हो। सबसे पहला विश्वासघात, आपके अच्छे अंक नहीं आते, गार्जियन का मन टूट जाता है ना। गार्जियन भी सोचने लगते हैं कि यार इतनी मेहनत से इसको तो पढ़ा रहा हूं मैं और इतने मार्क्स। दूसरा, गार्जियन को लगता है चलो कोई बात नहीं, मैट्रिक में कम मार्क्स आए, इंटर में अच्छा मार्क्स लाएगा, थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं है ना। अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो गार्जियन को बहुत खुशी मिलती है यार। गार्जियन को ऐसा लगता है ना कि मैंने जो पैसे लगाए ना, वो किसी भी तरह वसूल हो गया यार। और जब हम सेटल हो जाते हैं ना अपने जीवन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, तो फिर उनको बेहद खुशी होती है। आप माँ बाप को बुढ़ापे में उतना सहारा बनो या ना बनो, एक बात बता रहा हूं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है या किसी को भी नहीं करना चाहिए, आप सहारा बनो या ना बनो, लेकिन फिर भी आप अगर सफल हो जाते हो ना, आप कामयाब हो जाते हो, तो आपके माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है, आपसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, वो बता नहीं सकते हैं। हर एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बेहतर हो, मुझसे बेटर हो। हर एक टीचर चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे कहीं बेहतर हो, हर एक कोई चाहता है। इसलिए मैं भी आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने समय को मैनेज करो। मैंने क्या बोलना है, मुझे उतना समझ नहीं आ रहा है। वैसे कोचिंग में बच्चों को मोटिवेट करता हूं तो बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, लेकिन अभी आप लोगों के बीच ये कैमरा जब सामने आ जाता है तो उतना बोल नहीं पाता हूं। मैंने तो समय के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया, उससे कनेक्टेड माँ बाप के बारे में बताया, अपने टीचर्स के बारे में बताया, और समय की क्या वैल्यू है थोड़ी बहुत मैंने आपको बताने की कोशिश की। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप अपने समय को कैसे मैनेज करोगे। आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, या कोई भी एक्टिविटी करते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा, आप कोशिश करो कि आज से अगर मैं व्हाट्सएप 1 घंटा या फेसबुक 1 घंटा यूज करता हूं तो आज से उसमें 10 मिनट की कटौती करूं। मैं दोस्तों के बीच ऐसे ही गप्पे लड़ा रहा होता हूं, समय का कोई परवाह नहीं होता, घंटे घंटे दो दो घंटे हो जाते हैं। आप कोशिश करो कि उसमें से 10 या 15 मिनट आप 2-3 दिन के अंदर में काट सको। फिर 2-3 दिन बाद हो सकता है 10 मिनट काटोगे, 5 मिनट काटोगे। लोग कहते हैं बुरी आदतें जल्दी खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन बुरी आदतों को जल्दी कम किया जा सकता है। और कम कर करके कर करके कर करके आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने जो ट्रिक आपको बताई है, बहुत सारे बच्चों को मैं बताता हूं और बहुत सारे बच्चे फॉलो भी करते हैं। आप आज बैठो, घर पे एक बार बैठो, सोचो कि पूरे 24 घंटे में
मैं कितने घंटे फालतू का गुजारता हूँ किसी भी चीज में, और जिन जिन चीजों में आप फालतू के समय गुजारते हो उन चीजों को आप लिख डालो कि ये चीज में मेरे इतने घंटे लग जाते हैं, इतने मिनट लग जाते हैं। और कल से कोशिश करनी है, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो फिर वीडियो देखने के बाद से कोशिश करनी है कि मैं उन सभी बुरी आदतों में से, उन सभी बेकार के जो टाइम हम यूज कर रहे हैं उन सब में से रोज मैं 5 मिनट, 8 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट डिडक्ट करूं, कम करूं, काटूं, और धीरे 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 उन बुरी आदतों को, या फिर समय कर रहे जो हमारी एक्टिविटी है, समय को वेस्ट कर रहने वाली जो हमारी एक्टिविटी है उसको हम कम कर सकें। ऐसे कम की जा सकती है। आप चाहते हो कि एक ही बार में छोड़ देंगे, वीडियो आप देखते हो आप अंदर से एकदम हिल जाते हो, नहीं, अब से समय वेस्ट नहीं करना है, अब से मैं अपने समय का सही यूज करूंगा, और फिर कुछ ही घंटे या कुछ ही दिन बाद फिर से आप ध्वस्त हो जाते हो। क्यों? क्योंकि एक ही बार में आप मेहनत कर देते हो, एक ही बार में जी जान से लग जाते हो। ऐसा नहीं होता भाई मेरे, ऐसा कभी नहीं होता। 10 दिनों की मेडिसिन इंसान एक दिन खाकर ठीक नहीं हो सकता, उसे 10 दिन चाहिए ही चाहिए। वैसे आपकी जो भी आपके अंदर की कमियां हैं समय वेस्ट करने की, आप उनको आज लिख डालो और 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करके कटौती करो। एक हफ्ते बाद आप काफी कटौती कर चुके रहोगे, और 1-2 महीने बाद आप रियली में काफी कर चुके रहोगे। क्योंकि हमेशा आप समझना कि जो समय मैं वेस्ट कर रहा हूं वो मैं पैसे वेस्ट कर रहा हूं। अगर मैंने 2 मिनट कहीं पे गंवाए, 10 मिनट गंवाए, 1 घंटे गंवाए, तो हमने कुछ ना कुछ पैसे गंवाए हैं। हमें दिखता नहीं है, जो पैसे हमें दिखते हैं ना आपकी जेब से 10 रुपए गिर जाते हैं, आपको थोड़ी तकलीफ होती है। आप कम कमाते हो तो, थोड़ा ज्यादा कमाते हो तो 100 रुपए गिर जाती है, बड़ी तकलीफ होती है, कैसे गिर गया। लेकिन जो वक्त आप काट रहे हो उससे भी कहीं कीमती, उससे भी कहीं मूल्यवान, जो वक्त आप नष्ट कर रहे हो, जो आप कहीं पे ऐसे ही जाया कर दे रहे हो, कभी आपने सोचा है कि हमने कितने पैसे आज खो दिए? कभी आपने नहीं सोचे होंगे, कभी आपने नहीं सोचा होगा कि हमने कितने पैसे